विश्व प्रसिद्ध दरगाह के नजदीक स्थित अंदरकोट पंचायत में नियमित चुनाव की मांग को लेकर क्षेत्रवासी आज अजमेर जिला कलेक्टरेट पहुंचे और आरोप लगाया कि विगत लंबे समय से अंदरकोट पंचायत में एक ही पक्ष के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने हिसाब से ही अध्यक्ष व कार्यकारिणी चुन ली जाती है, जिसके कारण क्षेत्र में व्यवस्थाएं हैं और उसकी ऑडिट भी नहीं हो रही। इसे लेकर आज जिला कलेक्टर के समक्ष क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन पेश करते हुए उचित कार्रवाई और चुनाव समय पर कराने की मांग की है, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। सभी लोगों ने जिला कलेक्टर पर भरोसा जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द चुनाव नहीं होते हैं तो आगामी दिनों में विरोध प्रदर्शन उग्र किया जाएगा। क्या समस्या है? हम अंदरकोट से आए हैं, अंदरकोट पंचायत की जानिब से हमारे कुछ डेलीगेशन है छोटी सी युवाओं की। कई पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं काफ़ी वर्षों से, 2011 में हुए थे, उसके बाद इन्होंने कमेटी के सदस्यों ने ही उनको निर्वाचित करके अध्यक्ष बना दिया गया और बाकी पोस्टें भी सदस्यता भी दे दी। अब वो कार्यकाल ख़त्म हुए भी 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, बट ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। हम जब भी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख देते रहते हैं। आज हम माननीय महोदय जी कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं ताकि वो जल्द से जल्द इसके रिगार्डिंग कुछ हमें कुछ अच्छा आश्वासन दें या फैसला करें। SHO साहब को, दलबीर सिंह साहब को कुछ आश्वासन दें कि भाई वो इलेक्शन कराने के लिए पाबंद करें उन लोगों। कब से चल रही है ये कमेटी? ये कमेटी सर 2012 से चल रही है जी, और अभी तक बदली नहीं है, और इलेक्शन 2011 में हुए थे। इलेक्शन नहीं कराने का क्या मकसद है? बस सर हठधर्मितापूर्वक बैठे हुए हैं वो पंचायत की समिति को गुटबुत करने में लगे हुए हैं। जाती तौर पर उनको कुछ मुफाद हैं उनके, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर उसमें से कई तो जा चुके हैं, अब उनके बारे में बोलना तो अच्छी बात नहीं है, वो देहांत हो चुका है। पंचायत अंदरकोट के नाम से ही है, डी सोसाइटी पंचायत अंदरकोट यान के नाम से ही है। इलेक्शन गिन चाहते हैं सर, हम तो इलेक्शन हो जाए जल्द से जल्द ताकि जो पद के लायक है वो पद पर आकर के बैठे। मोहसिन खान जी, सर आज किसको लेकर के आए हैं? जी हम अंदरकोट के रहवासी हैं, वहीं से कदीमी ताल्लुकात रखते हैं, वहीं से हमारा ताल्लुक है। यहाँ पे हम कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं अपनी ही पंचायत समिति के एवज़ में, कि काफ़ी वक्त से इलेक्शन नहीं कराए जाने, हठधर्मितापूर्वक अपने पद पर बने रहने के हिसाब से कमेटी का जो भी ऑडिटर वगैरह है वो सब अभी तक बकाया है, कुछ भी नहीं हुआ है, और अपने हिसाब से पद पर बैठ जाना, खुद ही बैठ करके सिलेक्शन कर लेना, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करना है कलेक्टर महोदय से कि वो यहाँ से दरगाह थाने में हमारी जो भी मांग है वो वहाँ ट्रांसफ़र करें और उचित जो भी कार्रवाई होती है उस पर की जाए। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? लास्ट काफ़ी वक्त हो गया, इलेक्शन हमने भी नहीं देखे, और अभी भी ये होता है अकॉर्डिंग टू सेलेक्शन ख़त्म होता है फिर सेलेक्शन में बंदा आकर के बैठ जाता है, कोई इलेक्शन की बात नहीं। जब भी हम लोग जाते हैं कि इलेक्शन के लेकर के, तो कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ इस तरह से अभी करा लेंगे, तो जब कोई निस्तारण नहीं लिखता तो सिर्फ एक ही हमारे पास दरवाज़ा था कलेक्टर महोदय का। अब हम इनके पास में आए, यहाँ से हमें इतना पूरा यकीन है कि ये उचित कार्रवाई करेंगे। आश्वासन नहीं मिलता यहाँ से भी आगे? बिल्कुल, हमें इतना तो पूरा यकीन है कि यहाँ से हमें आश्वासन मिलेगा, नहीं होता है तो फिर आगे देखेंगे जो भी होगा। डेलीगेशन सिविल कोर्ट है, बाकी कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, वहाँ से हम लोग कोई कार्रवाई करवाएंगे लोगों के। शेख मोहम्मद इजहार।